हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ पीपेट। लेबोरेटरी में यूज करने वाले 5 ml, 10 ml और 25 ml वाली पीपेट में से किसी भी पीपेट को कैसे कैलिब्रेट किया जाए, उसके लिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एम टू कैलिब्रेट द 10 ml ऑफ पीपेट। आज हम 10 ml की पीपेट का कैसे कैलिब्रेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। उसी तरह हम 5 ml और 25 ml की पीपेट का भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट है बीकर, वाटर, थर्मोमीटर, डिजिटल बैलेंस एंड पीपेट। यहाँ कैलिब्रेशन के लिए जिस पानी का यूज करने वाले हैं उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। खाली बीकर का वेट करेगी जो है 48.502 ग्राम। अब जिस 10 ml पीपेट का हम कैलिब्रेशन करने वाले हैं उस 10 ml पीपेट में पानी सकअप करेंगे और पीपेट के मार्क तक पानी फिलअप करेंगे। बाद में इस पानी को बीकर में ऐड करेंगे जिसका हमने वेट किया था। अब बीकर और पानी का वेट करेंगे जो है 59.528 ग्राम। ऑब्जर्वेशन, यहाँ टेम्परेचर है वाटर का 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी है 0.9982 ग्राम पर ml। एम्प्टी बीकर का वेट W1 है 48.502 ग्राम। बीकर और वाटर 10 ml पानी हमने जो लिया था उसका टोटल वेट W2 ग्राम है 59.528 ग्राम। टोटल वेट में से अगर एम्प्टी बीकर का वेट बात करेंगे तो 10 ml पानी हमने जो पिपेट से लिया था, पिपेट के मार्क तक वो पानी का वेट आएगा W2 माइनस W1। W2 है 59.528 ग्राम और W1 है 48.502 और उसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आएगा 11.026 ग्राम। यानी कि 10 ml पानी जो हमने पिपेट में से लिया था तो उस पानी का वेट है 11.026 ग्राम। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाई, यहाँ पिपेट में से जो हमने पानी लिया था उसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा वेट ऑफ द वाटर एंड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। यहाँ पानी का वेट था W2 माइनस W1, वो था 11.026 ग्राम, जबकि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी थी 0.9982, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम है 11.046 ml। एरर यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है। अगर यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम और ट्रू वैल्यू दोनों सेम है तो एरर जीरो होगी। अगर एक्चुअल वॉल्यूम ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है तो एरर प्लस होगी, और एक्चुअल वॉल्यूम वैल्यू यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ट्रू वैल्यू से कम होगी तो वहाँ डिफरेंस नेगेटिव होगा। यानी कि एरर जीरो, प्लस और माइनस हो सकती है। यहाँ
ट्रू वैल्यू है 10 ml, 10 ml की पीपेट हमने ली थी, जबकि एक्चुअल वॉल्यूम मिला है हमें 11.046 ml। एक्चुअल वॉल्यूम और ट्रू वैल्यू का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो आएगा +1.046 ml, यानी कि यहाँ एरर है +1.0646, प्लस हमें मिलती है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, यानी कि एरर का हम ट्रू वैल्यू के साथ गुणोत्तर लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिलेगी पार्ट्स पर 100 ppH में। एरर यहाँ है +1.046 अपॉन एक्स ट्रू वैल्यू है 10 इंटू मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज एरर हमें मिलेगी +10.46%। रिजल्ट्स, एरर ऑफ द 10 ml पिपेट इज इक्वल टू +1.046, परसेंटेज एरर ऑफ द 10 ml पिपेट इज इक्वल टू +10.46%। जिस तरह हमने 10 ml पिपेट का कैलिब्रेशन किया उसी तरह हम 5 ml और 25 ml की पिपेट का भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।